राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज संसद में ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भारतीय फिल्म उद्योग की कामयाबी पर चर्चा की। उन्होंने इस अवसर पर संपूर्ण देश से भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाने की अपील की और इस उपलब्धि के लिए पूरे फिल्म उद्योग और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऑस्कर में अवार्ड पाना भारत के लिए गर्व की बात है और आज भारतीय फिल्म कंटेंट को पूरी दुनिया सराह रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर, धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूँ कि आपने भारतीय फिल्म जगत की देश और दुनिया भर में जो धूम मची है, RRR के नाटू नाटू ने ना केवल देश बल्कि दुनिया का दिल जीतने का काम किया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ऑस्कर 95 में जिस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक नहीं दो दो अवार्ड्स पाने का काम किया है। सब फिल्म की धूम तो यहाँ पर थी ही, लेकिन इंडियन फिल्म कंटेंट को आज दुनिया ने, और मैं कहूँ ब्रांड इंडिया हैज़ अराइव्ड एंड इट इज़ जस्ट द बिगनिंग एंड इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड एंड लेट अस वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। नथिंग इज रीजनल टुडे, एज प्राइम मिनिस्टर से लोकल टू ग्लोबल आर रीजनल हैज बिकम इंटरनेशनल सर, दैट इज द बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। और सर इसमें बड़ी बात यह है कि नाटू नाटू तेलुगु भाषा में गाया गया था, बहुत सारी भाषाओं में डब हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं 30 क्या आज दुनिया के करोड़ों दिलों के दिल में नाटू नाटू बज रहा है, तो भारत के संगीत की धुन आज दुनिया भर में हो रही। सर तमिल भाषा में फिल्म बनी द एलिफेंट विस्परर्स, सर छोटी बात नहीं सर, छोटे बजट के साथ बनी, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन आज उसको भी जो मुकाम हासिल हुआ है, मैं अपनी ओर से, क्योंकि ये जिम्मेदारी मोदी जी की सरकार में मिली है, हम कह सकते हैं सर हमने लगातार, जब टोरंटो फिल्म फेस्टिवल भी हुआ तब राजा मौली जी और उनकी पूरी टीम, उस समय सर हमने वर्ल्ड प्रीमियर वहाँ पे प्रीमियर करने का काम किया, मंच दिया भारतीय फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए। कान फिल्म फेस्टिवल में भी सर 75 ईयर जब भारत और फ्रांस ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज के मनाए, पहली बार सर किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिला तो भारत को, वो पिछले वर्ष हमें यहाँ पे होने का काम हुआ सर। सर एक के बाद दूसरा वो क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने फिल्मों के क्षेत्र में अच्छा किया। आज सर, आज अगर RRR ने जो किया है सर, सर उसके पीछे जो स्टोरी लिखने वाले, पटकथा लिखने वाले इस सदन के सदस्य भी हैं, हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है विजेंद्र जी, श्री अब्दुल वहाब, कि सर केवल स्टोरी नहीं लिखी सर, एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर इस सदन का हिस्सा बनने का अवसर दिया, उसके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबकी ओर से सभी को RRR द एलिफेंट विस्परर्स के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सर। आई ऑल्सो ज्वाइन टू कंग्रेचुलेट बोथ द अवार्डीज एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम सच ए अवार्ड इज गिवन टू दिस नाटू नाटू एंड ऑल्सो टू द एलिफेंट्स दिस थिंग्स। So both mostly they come from South India. It is great pride for us. I'm so happy and I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country, and they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west, they are Indians. Yes. I'm so happy that while thanking the president in my speech, I did mention about this point. And I feel vindicated today. I stand here with pride and with dignity for my film fraternity who have represented this country number of times. राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सा